स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। फरियादिया ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 1 सितंबर को एक सामाजिक कार्यक्रम में गई थी। जो कार्यक्रम के पश्चात अपनी मोरघड़ी कॉलोनी आ रही थी, तभी राजू के घर के खंडहर के बाहर राजेश पिता दिनेश बलाही, दिलीप पिता काशीराम बलाही और अजय पिता राजू भील सभी निवासी मोरघड़ी कॉलोनी के बैठे थे। तीनों ने उसका रास्ता रोककर मुंह दबाकर खंडहर के पीछे खुली जगह पर ले गए और तीनों ने बारी बारी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध गलत काम किया। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना मानधाता पर आरोप पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश रघुवंशी और अनुविभागीय अधिकारी रविन्द्र बुएट के मार्गदर्शन में निर्देशक अनोक सिंह सिंधिया ने टीम गठित कर 24 घंटे के अंदर घटना में शामिल आरोपीगण राजेश पिता दिनेश बलाही, दिलीप पिता काशीराम बलाही और अजय पिता राजू भील सभी निवासी मोरघड़ी कॉलोनी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। इसके तीनों आर आई पे अजय, दिलीप और राजेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उसमें अपनी सिविल चालान पेश करके इनको सिविल से स्ट्रिक्ट सजा भी दिलाई गई। क्या नाम लिखते हैं श्रीमान? रविंद्र बोयर, एसडीओ। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।